देसी छौका देसी स्वाद सबसे बाअलगे अंदाज ये है देसी तड़का बिम घर का तड़का। नमस्कार, हम अभिलाषा महुआ के तमाम भोजपुरिया प्रेमी दर्शकन के बहुत बहुत स्वागत कर रहल बानी भोजपुरिया खान पान और माटी के खुशबू से भरल शो विम घर का तड़का में, जहां तलाश हो रहल बा यूपी बिहार और झारखंड के ठेठ व्यंजन के जवन हमनी के थरिया से गायब हो रहल बा। और ये व्यंजन ना ही सिर्फ स्वाद बल्कि हमनी के पहचान भी बा। तई पारंपरिक खान पान के ढूंढ के पहचान के लावे खातिर हम आ गेल बानी पावन नगरी वाराणसी। और हमरा साथ बानी वाराणसी के श्री राम नगर के माधुरी पाठक जी। माधुरी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत बा विम घर का तड़का में। अरे हमरा बहुत अच्छा लागल एकदम भाई। रवा एसएमएस केनी त कैसे न आई थी, त का खास बा बनारस के खान पान में और आज जे रवा बनाई? आज हम आप लोगन खातिर कोफ्ता बना रहला बानी और खुरमा बना रहला बानी। कोफ्ता और खुरमा? हाँ। खुरमा त मीठा होला ना? हाँ, मीठा होखेला। तो कोफ्ता का चीज के बनी? कटहल के बनी। क्या बात है, त हमनी सब कोई बहुत उत्सुक बानी दोनों पारंपरिक व्यंजन के जाने खातिर, एक समझे खातिर और खाए खातिर भी। साथ में इनकर पति हम सिद्धार्थ पाठक जी हमनी के साथ बड़े, बहुत बहुत स्वागत बा। राउत ये बताई कि जो पारंपरिक खान पान बा ओकर बारे में? बियाह भइला पर यहाँ का बड़ा बढ़िया बनावत रहनी, लेकिन जैसे जैसे उम्मीद ढलत गई बनावे में कमी आवत गई तब अब यो ठीक बनावे नी। साथ में इनकर पड़ोसिन भी हमनी के साथ बाड़ी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता है, मैं कश्मीर से हूँ। पूर्वी खान पान है और खास तौर पे जो बनारसी खान पान है उसको अभी तक कितना एंजॉय किया है और क्या उसके बारे में आपकी सोच है? बनारसी खान पान तो मैंने इनकी शादी में, इनकी बेटी की शादी तब खाया था, अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। इनके हाथ का क्या कुछ पसंद है आपको? ये तो बहुत मास्टर है, कुक है। आंटी जी से मैं सब कुछ सिखाया है, इन्होंने मुझे कचौड़ी बनाना सिखाया, इन्होंने मुझे वो पोहा वाला जो बनाते हैं ना यहाँ का मेन है पोहा, वो सिखाया। क्या बात है, तो यहाँ पर सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी पकवान ना सीखल जाला, यहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य के लोग भी सीखे ले और ये तो हमनी के देश की खासियत बा। तो हमनी के इस सिलसिला के आगे बढ़ावल जाओ और माधुरी जी राउर जो इतना पुरान घर गृहस्थी बा, रसोई बा जहाँ से एकदम स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनेला, व्यंजन पकेला, वो दिखाए ना? हाँ बिल्कुल दिखाए, चलिए चलिए नहीं दिखाओ तो नहीं। बहुत सुंदर लागल घर परिवार, इतना दिन के गृहस्थी राउर बा और 30 साल के गृहस्थी बाकी जो जगह जहाँ पर खूब बेटी के भी सिखेने हो खब घर हुआ, चाहे अपन बड़ पुरनिया से भी सीख ले हो खब, वो जगह तरह सोई घर बा। हाँ वही घर बा, तो वो देखा जाओ। हाँ देखा जाओ, चलिए। ये वैसा हमारे किचन बैठे देख लिया, बहुत बढ़िया। और सबसे खास बात जो राउत किचन के है कि बहुत ही व्यवस्थित है, मसाला यहाँ पर रखल बा और ज़रूरी पड़े वाला हर सामान एकदम बढ़िया से करीना से सजल, साथ ही यहाँ पर हरी सब्जी भी रखल बा और ढेर सारा नींबू, और वह नींबू के ताकत बा विम में। बर्तन के साफ सफाई इतना चकाचक ये किचन में कैसे लौक रहल बा वो विम के वजह से ना, ठीक है नी? माधुरी जी राउर किचन के देख के बहुत बढ़िया लागल, अब जो राउर हाथ के स्वाद है हमनी के दर्शक तक पहुंचावे के बाद बाकी हमनी के किचन द्वारा, और हमनी के किचन के नाम है विम घर का तड़का के किचन। तो चली हुआ, चलिए बना के दिखाओ तनी, आपको सिखाओ तनी एकदम, चलिए। स्वागत बा विम घर का तड़का के किचन में, माधुरी जी के लेके हम आ गेल बानी हमनी के किचन में। माधुरी जी कैसन लाग रहल बा? अच्छा लाग रहल बा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमनी के जे सेगमेंट है एकर नाम है देसी छौका। इस सेगमेंट में एकदम देसी और पारंपरिक डिश हमनी के बनावेला, का बनाई माधुरी जी? कटहल के कोफ्ता बनाई। कटहल के कोफ्ता, सुन के ही मुंह में पानी आ रहा है। माधुरी जी एकदम झटापट से बता दी कि काका सामग्री के जरूरत पड़ेला
कटहल के कोफ्ता बनावे खातिर। कटहल, सूजी, बेसन, टमाटर के पेस्ट, प्याज, लहसुन, अदरक के पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्चा, तेजपत्ता, पचफोरन, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, तेल। ठीक बा। अच्छा ये बताइए माधुरी जी कि कितना लोग खातिर हमने के बना रहल बानी, कितना कटहल के जरूरत पड़ी कोफ्ता बनावे खातिर? हम 4 आदमी खातिर बना रहल बानी। तो सबसे पहले का करे के जरूरत बा? सबसे पहले कटहल उबाले के जरूरत बाटे, ले कटहल को उबाल लेंगे छील के, ठीक, उसको मैश कर लेंगे, ओकरे में लहसुन अदरक मिर्चा के पेस्ट मिला लेंगे। ये जो पेस्ट तैयार बा, पेस्ट तैयार बाटे ये, और बेसन और सूजी हमने के मिलावे के बाद, मिलावे के बाद उसके बाद मिला के हम बना लेंगे। पेस्ट तैयार करे के बाद बहुत आसान बा। अब एकरा के बनावे की तैयारी शुरू कर जाओ। सबसे पहले हम गैस जला ले, अगला गैस जल गई, पैन हम रख देनी, में तेल डालब जी। अच्छा ये पेस्ट में सूजी भी रवा डालनी है, तो सूजी से का स्वाद थोड़ा बढ़ जाला, थोड़ा मतलब फूटे लाला, छितराई ना। अच्छा मतलब गोल गोल बना रहे, हम गोल गोल बना ले। अच्छा एकरा के उबाल के पीसे के जरूरत बा या फिर काफी ज्यादा उबाले के? पीसे के दबा बा कि आजकल कोई सी लोड़ा तो रखत नहीं है कि पीसी, मिक्सी में पीसी तो पूरा मिक्स हो जाई, तो कटहल पते ना चली कटहल है कि का हो। जी जी जी, मतलब हाथ से ही पूरा मैश करके, मैश करे के बाद। अच्छा कितना सीटी पर कटहल एकदम उबल जाए? एक सीटी बजा के ओकरा के सिम कर दिए, ठीक, ओकरा बाद 2-3 सीटी बाजे तो के उतार लिए। क्या कटहल थोड़ा कड़ा होखेला जी, ओके पूरा गले के चाहे तो नुकसान भी कर जाला। बहुत बढ़िया रंग आ रहल बा कटहल के, देखिए हो गेल कुरकुरा, अभी निकाल ले हो गई बा। अच्छा ये तैयार हो गेल बा? हां तैयार हो गेल। हम प्लेट देता नहीं रुवा के, इनके बड़ा बड़ा हो गेल ना जी, उतना छोटा छोटा डालने हैं। अब एकरा में लाल मिर्चा, तेजपत्ता और पचफोरन के तड़का दे, फोरन जल गई। अब हम पहले प्याज लहसुन के पेस्ट डालब। तो पहले बिना लहसुन प्याज के ही कोफ्ता बनत रहे, तो स्वाद में बहुत फर्क पड़ जाला? कोनो फर्क ना पड़ जाला, हमने के तो वही आते रहला, बंदी भी बाद में खाए लगल सब। अब हम टमाटर के पेस्ट डालब, अंदाज से 2-3 गो टमाटर, अंदाज से 2-3 टमाटर बा। कद्दूकस करके भी रवा डाल सके, कद्दूकस के डाल सके नहीं, चाहे मिक्सी में पीस के भी डाल सके नहीं। बहुत बढ़िया रंग आवेला टमाटर के डाले से, और थोड़ा देर बाद ही डाली, पहले ना डाली ना, प्याज भुजला के बाद भुजा दी प्याज ना, और टमाटर सब मसाला डालो। अब अगला समय में एवरेस्ट हल्दी डालो, रंग खातिर हल्दी, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। एवरेस्ट के तीखा लाल मिर्ची अब हम डालो, सही तीखा सही लाल। धनिया डाल रहा बनी हम, धनिया थोड़ा ग्रेवी के बढ़िया करेला, और महक भी काफी बढ़ जाला। अब थोड़ा गरम मसाला डालो हम, अब स्वाद के हिसाब से नमक डालो। बहुत ही मसालेदार प्रिपरेशन बाई, तो घर में अगर कोई पार्टी होखे या फिर कोई खास आ रहल बाड़े तेकरा के जरूर बनाई। अब हम पानी डालब, पानी डाल के थोड़ा चलाई, सब मिक्स हो जाए। अच्छा कटहल के जो कोफ्ता होला एकरा के का खूब स्पाइसी पसंद कइल जाला, तीखा तो बनेला। देखा अपने भी तैयार हो गई बटे, देख गाढ़ा हो गेल ना, जोन पकौड़ी बनौले बनी कोफ्ता सब डाल दे, तैयार हो गेल ना। अब एके हम बाउल में खाली कर दे। कटहल के काट के उबाल ली, ओकरा बाद ओके मैश करके लहसुन अदरक मिर्चा के पेस्ट, बेसन और सूजी के मिला के मिश्रण तैयार कर ली। फिर एक पैन में तेल गर्म करी, ओकरा में मिश्रण के कोफ्ता बना के सुनहरा होवे तक तल ली। एक पैन में लाल मिर्च, पंचफोरन, तेज पत्ता के तड़का लगाई, प्याज लहसुन के पेस्ट, टमाटर के पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, पानी डाल के ग्रेवी तैयार करी। अब ओमे कोफ्ता डाल के गर्मा गर्म सर्व करी। वाह देसी छौंका में का छौंक लागल बा, एकदम मजा आ गई बा, और ये मजा जोन बा वो भी जारी रही अगला सेगमेंट में भी। अगला सेगमेंट है किचन क्वीन की पसंद, जोना में हमने के बहुत ही अनुभवी किचन क्वीन बनाई है आपन पसंद के कोई डिश। का बनाए? अब हम बनाए खुरमा। खुरमा तो भाई खुरमा खाते थोड़ा सा इंतजार करे के पड़ी, हमने के एक छोट सा ब्रेक ले रहल बानी और फौरन हाजिर होता नहीं, रोवा सब देखत रही विम घर का तड़का। ही है देसी तड़का, विम घर का तड़का।